वापस आ गए हैं अपनी मैथ्स की वीडियो के साथ। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे पहचानते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया हो और उसमें ये लिखा हो कि आप इसको चेक करके बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसको आप किस तरीके से टेस्ट करके पता लगाएंगे। और उसके अलावा हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अगर या हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, फैक्टराइज फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल हमने प्रीवियस जो क्लासेस हमने की थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल की, उसमें हमने किया था। इसको फैक्टराइजेशन मेथड को हम स्प्लिट टर्म मेथड भी कहते हैं। ओके, अब मैं इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से आपको ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली इसमें करना क्या है आपको। आपके पास अगर ये क्वेश्चन है 2x + x - 6 = 0, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी थी, ax² + bx + c = 0, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। सो ये काफ़ी मिलता जुलता है, मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे इसके क्या फाइंड करना है, हमको रूट फाइंड करना है। सो आपके पास ये गिवन है, बहुत ही सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, हम लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिट द टर्म, स्प्लिट द टर्म मेथड भी हम इसको कहते हैं। करना क्या होता है, हमको लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। लास्ट टर्म का हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्या मिलेगा हमको लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके, वी विल गेट 6 to the 12। हमको जब ये 12 मिल जाएगा, इस 12 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर टेकिंग एलसीएम ऑफ द नंबर विच वी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ओके, एंड वी मेक श्योर, हमको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, एलसीएम लेने के बाद उसके जो भी फैक्टर्स आए हैं उन फैक्टर्स को ऑपरेट करने पे हमको कैसा नंबर चाहिए, हमको ऐसा नंबर चाहिए जो ये इसकी सेकेंड वाली टर्म या मिडिल वाली टर्म के जैसा हो। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, 12 हमको मिला, इसको आप एलसीएम ले लीजिए। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 2 3, ये इसके फैक्टर्स हमको मिल गए। करेंगे क्या, 2 2 4 जब हम करके देखते हैं, 2 2 4 जब हम करके देखते हैं, और ये 3 4 3 12 होता है। ओके, सो मैंने आपको क्या बोला था, इनके फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है कि आपको बीच वाला नंबर मिल जाए। सो आपको पता है 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है, और ये जो बीच वाला हमारा टर्म है वो 1 ही है। ओके, बिकॉज यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, यू गाइस कैन अज्यूम इट एज 1। ओके, नाउ उसको हम फर्दर अभी ऑपरेट करके देखेंगे। तो हमको क्या दिख रहा है, x² + x - 6, ये इसको, इस वाला ये जो फैक्टराइजेशन फैक्टर्स हमको मिले हैं, इस फैक्टर्स को हमको क्या करना है, इसको उठा के हमको यहाँ बीच में सेट करना है। और सेट हमको ऐसे करना है कि ये जो इक्वेशन है हमारी, ये बदलनी नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो हम इसको 4x - 3x - 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 4x - 3x हमारा क्या होता है, x होता है, वापस हमको यही मिल जाता है। ओके, ये हो गया। अब हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, टेकिंग द एलसीएम, ये हमारा सेकंड स्टेप था। नाउ हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, टेकिंग आउट द कॉमन, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। तो किस तरीके से हम कॉमन लेंगे, ये आपको दिखाती हूँ मैं। सॉरी, इट्स जस्ट
इस वाले टर्म को आप यहाँ पे लिखिए, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, ये हो गया। देर इज नो यूज टू राइट इट लाइक दैट, फिर से लिखना पड़ेगा। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, ओके। मैंने क्या बोला है आपको क्या करना है, आपको कॉमन लेना है, ये आपने दो दो के पैर बना लिए। अब आपको सेकेंड वो आपका जो फोर्थ आपका स्टेप होगा उसमें आपको क्या करना है, पेयरिंग ऑफ द टर्म्स, आपको पेयरिंग करना है। आपने पेयरिंग कर ली, अब पेयर करने के बाद आपको क्या करना है, नाउ आपको कॉमन अब निकालना है। ये देखिए इसमें से क्या आपको कॉमन लग रहा है, इसमें से इसको थोड़ा सा और अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस, ओके यस, एक्स माइनस 2 3 6, ऑल राइट। ये अब आपको दिख रहा होगा क्या क्या कॉमन है, मैं आपको बता दूं कौन कौन से टर्म कॉमन है। ये हमारा ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से ये वाला 3 कॉमन हो जाएगा। ओके, जस्ट टेकिंग आउट द कॉमन्स एंड लेफ्ट आउट द रिमेनिंग पोर्शन इन द ब्रैकेट्स। ओके, अब देखिए यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया, ये पूरे टर्म में से यहाँ से हमारा क्या बचा, x बचा, बिकॉज x स्क्वायर में था, x बाहर हो गया तो एक ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, ये पूरी की पूरी टर्म हमारी बाहर कॉमन चली गई, इसलिए वी हैव वी लेफ्ट विद 2 माइनस। अब यहाँ से हमारा क्या कॉमन हुआ है, 3 कॉमन हो गया, अंदर माइनस माइनस, वी आर टेकिंग द माइनस कॉमन एज वेल, सो ये माइनस 3 हम टेक ले रहे हैं बाहर, जब माइनस बाहर चला गया तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव में नंबर्स बच जाएंगे, तो यहाँ पर 2 बच जाता है। ओके, इस मेथड को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होता है, जस्ट ए हैक, कि अगर आपको पता लगाना हो कि आप इसको सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व योर दीज 2 ब्रैकेट्स आफ्टर टेकिंग आउट द कॉमन्स। आपको इन दोनों को आपको देखना पड़ता है, अगर ये ब्रैकेट्स आपके एक जैसे हैं तो आप समझ जाइए कि आप ये जो सम सॉल्व कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब क्या करना है आपको, इन सम्स को, इन ब्रैकेट्स को आपको कॉमन ले लेना है, ब्रैकेट्स को कॉमन ले लेंगे, दैट मीन्स वी विल लेफ्ट विद 2x माइनस 3। ओके, जस्ट टेक आउट इट एज ए कॉमन, ये x माइनस 2 इसको कॉमन ले लेंगे आप, ओके, एंड ये आपका क्या बचेगा, 2x माइनस 3 ये आपका बच जाएगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको क्या कर लेंगे, आपकी फिफ्थ स्टेप हो जाएगी इक्वेटिंग द नंबर्स विद 0, इक्वेटिंग द टर्म्स जीरो से, इसको इक्वेट कर लीजिए आप। सो मैंने जीरो की इक्वल यहाँ रख दिया, एक को मैं यहाँ रख देती हूँ। अब आप देखिए इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगी, इट विल गिव माइनस 2, एक रूट आपका ये हो जाएगा, 2x माइनस इज इक्वल टू 0, 2x की माइनस में इस तरफ जाके ये प्लस में हो जाएगा, एंड एक्स दिस इज मल्टीप्लाई एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग टू द ऑपोजिट साइड इट गिव्स अस दिस, सो दिस इज द रूट नंबर 1 एंड दिस इज द रूट नंबर 2। सो बाई यूजिंग द फैक्टराइजेशन मैथड यू कैन जस्ट फाइंड आउट द 2 रूट्स। ओके, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, काफी इजी है, इजीली आप इसको कर पाएंगे। ओके ओके, अभी जो मैंने आपको बताया वो काफ़ी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसमें आप देखेंगे इसमें भी आपको वही करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का या स्प्लिट द टर्म मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपको 2 अननोन रूट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 2x माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिफोर फर्दर सॉल्विंग इट। ओके, सॉल्यूशन आपका कैसा होता है, सॉल्यूशन आपका ऐसा हो जाएगा, यू कैन राइट दिस एज आई टोल्ड यू कि आपको काफ़ी डिटेल में इसको करना पड़ेगा। सो वी हैव गिवन, देर इज नो शॉर्टकट, वी हैव गिवन, इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स देन देर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस, सो प्लीज़ इसको पूरी तरीके से करिए। वी हैव गिवन दैट अपने को गिवन है ये 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। अब इसका पहला काम आपको ये करना होगा कि जो सिंप्लीफाई इट, इसको क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये जो आपको 1/8 आपको दिख रहा है इसको आपको सॉल्व करना है सबसे पहले।
क्या करेंगे आप, इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है नीचे, यू कैन अज्यूम इट एज वन। इसका एलसीएम लेने में आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। अब इसमें आपको डिवीजन करके जो भी आपका आंसर आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ओके, एलसीएम लेते हैं, आप सबको बनता होगा, है ना। आई रियली रियली होप एंड आई सपोज कि आप लोग जानते हैं एलसीएम करना, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको कर रही हूँ। 8 2 16, 8 से 8 आपको कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको 1 दे देगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये इसको ले जाके इधर आपको ट्रांसफ़र करना है, 0 × 8 16x² - 8x+1, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अब आपको क्या करना है, इसको अब आपको अब इसको अपन क्या करने वाले हैं फर्दर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका एक नॉर्मल सी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ओके, इसको आप नॉर्मल क्या करने वाले हैं, स्टेप फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, जो मैंने आपको बताया था आप इसमें भी वही करिए। लास्ट टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म आपका कितना आ जाएगा, 1 × 16 = आपका 16 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, सेकेंड स्टेप आपकी दी, एलशियम लेना है और उसके फैक्टर्स आपको देखना है। 16 का आप एलशियम ले लेंगे, सो हो जाएगा 4 4 16 एंड 4 1 4, इसके फैक्टर्स आपके क्या हैं, इसके फैक्टर आए हैं आपके 4 और 4। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसको इस तरीके से ऑपरेट करना है, जमाना है कि ये जो 4 एंड 4 है, 4 4 4, या जो 4 फैक्टर्स हैं, देर आर 2 फैक्टर्स 4 एंड 4, वो आपको ऐसा कोई नंबर दे विच इज़ जस्ट इक्वल टू द नंबर अवेलेबल एट द मिडिल टर्म और द सेकेंड टर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। सो आप इजीली जानते हैं, देखिए 4 − 4 कर देंगे आप तो ये 0 हो जाता है, बट आपको पता है −4 और −4 ये आपको क्या देता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, सो इट विल गिव यू 8, बट −8, इट विल गिव यू −8 बिकॉज माइनस माइनस प्लस, बट द डिजिट्स हैविंग द साइन इज माइनस, सो इट विल गिव यू −8। अब क्या करना है, ये बिल्कुल परफेक्ट है नाउ। अब इसको क्या कर देंगे, थर्ड स्टेप में आपको इसको जस्ट पुट कर लेना है, इसको रीराइट करना है, रीराइट द इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको रीराइट करना है। किस तरीके से रीराइट करना है, इधर देखेंगे आप, +1, इसको आपको ले इसको सॉरी इसको आपको ले जाके वहाँ सेट करना है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, ये जो −4 −4 है इसको हमको प्लेस करना है केयरफुली, यहाँ पर प्लेस हमको इस तरीके से करना है कि हमारे ये इक्वेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, सो 6x² एज वी डन इट इन द प्रीवियस क्वेश्चन सिमिलरली लाइक दैट +1। ओके नाउ आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप आपका ये था, आपको क्या करना है, आपको पेयरिंग करनी है, पेयरिंग कर लीजिए इसकी, ये दिख गए आपको 2 पेयर्स। अब आपको क्या करना है, कॉमन आपको निकालना है, सो यहाँ से आपका मैं इसको अब डायरेक्टली कर दे रही हूँ। आई होप कि आपको प्रीवियस वीडियो में समझ में आ गया, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरीज यू कैन कॉमेंट मी डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन सेक्शन राइट। 4 4 16 x, ओके −1, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें और इस वाली टर्म में, सो अपन क्या −1 कॉमन ले लेते हैं बिकॉज देर इज़ नथिंग टू टेकिंग आउट एज अ कॉमन। −1 अपन कॉमन ले रहे हैं, मतलब यहाँ अंदर क्या बचेगा, माइनस। ओके, अब अगेन वी कैन टेक द कॉमन दिस एंड दिस, ब्रैकेट्स मैंने आपको बताया था ये दोनों ब्रैकेट्स आपके एक जैसे होने चाहिए, अगर ये ब्रैकेट्स आपके एक जैसे हैं तो आप समझ जाइए आपका सम बिल्कुल सही हो रहा है एंड अपने ब्रैकेट्स एक जैसे हैं, सो दैट मीन्स हम सही कर रहे हैं। इनको मैं कॉमन ले लेती हूँ, ओके, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा इट इज़ −−−, 4x − 1। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे आप 0 से, 4x − 1 इज इक्वल टू 0, इट विल गिव 4x इज इक्वल टू 1 एंड विच फर्दर गिव यू 1/4। आप एक चीज़ देख रहे हैं, एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि
आपका जो ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है, सेम है, मतलब आपके जो रूट्स होंगे वो भी सेम सिमिलर रूट्स आएंगे आपके, मतलब आपके दो रूट्स आपके कैसे आने वाले हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आपके दो रूट्स आप कैसे आने वाले हैं, 1/4 एंड 1/4, 1/4 एंड 1/4, ये आपके दो रूट्स आ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, ऐसे सम आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आपको दिए हों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फैक्टराइजेशन मेथड से आपको उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो आप किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशंस बनाएंगे और किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, हम कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।